अयोध्या के तिकोनिया पार्क में पिछले 19 दिनों से अपनी तमाम मांगों को लेकर धरना दे रहे भारतीय किसान यूनियन ने सोमवार को शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान यूनियन के प्रदेश सचिव घनश्याम वर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने रोड जाम कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर जोरदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद यूनियन के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर तहसील कार्यालय से कलेक्ट्रेट तक रूट मार्च निकाला। यहां ज्ञापन सौंपने के लिए जिलाधिकारी के नहीं मिलने पर यूनियन के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट गेट पर धरना प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान यूनियन के प्रदेश सचिव घनश्याम वर्मा ने कहा, भारतीय किसान यूनियन का पिछले 19 दिनों से लगातार अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, लेकिन कोई भी प्रशासनिक अधिकारी पूछने तक नहीं आया, ना ही उनका किसी समस्या का समाधान किया गया है। किसानों से संबंधित उनकी छोटी छोटी समस्याएं हैं, लेकिन प्रशासन अपनी मनमानी कर रहा है। वहीं किसान यूनियन के पदाधिकारी सूर्यनाथ वर्मा ने बताया, पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारी ने उनकी समस्याओं को सुना था, जिसकी जांच के लिए संबंधित थाने को जांच कर समाधान के निर्देश दिए हैं, लेकिन एक भी समस्या का समाधान नहीं हुआ, जिसकी वजह से आज वह आंदोलित हैं। कई समस्याएं, एक समस्या तो है नहीं कि एक समस्या को लेकर के बैठे हैं। पुलिस प्रशासन से है, राजस्व विभाग से है, विकास विभाग से है तथा और कई विभागों से है। आज हमारा 19वां दिन चल रहा है, जबकि यहाँ पे अभी तक कोई भी अधिकारी नहीं आया। आज के 10 दिन पहले सीओ सिटी आए थे, पुलिस की समस्याएं सुने थे और सबको ये निर्देशित किया था अपने अधीनस्थ एसओ लोगों को कि इनकी जांच करके तत्काल हमें एक हफ्ते के अंदर जो है सूचना दें, लेकिन आज तक कोई भी सूचना उनको न मिली। कल मुलाकात भी हुई थी, परसों भी मुलाकात हुई थी, तो कह रहे थे कि आगे बैठ जाएं, बैठ मिल गई, हम लोग समस्या सॉल्व कर लेंगे। जब हम 10 दिन पहले बैठ चुके हैं, समस्या कोई सॉल्व नहीं हुआ, तो कैसे माने कि हम बैठ के समस्या सॉल्व हो जाएगी। समस्याएँ हमारे किसानों मजदूरों की हैं, छोटी छोटी तमाम ऐसी समस्याएँ हैं, कुल 32 समस्याएँ हैं जिनको लेकर के यहाँ हम बैठे हैं। तमाम हमारी यहाँ माताएं बैठी हैं जो वरासत के लिए परेशान हैं, जिनसे लेखपाल कार्मिकों कई कई हजार रुपए मांग रहा है, जो कार्मिकों का नैतिक कर्तव्य है कि वरासत करना, लेकिन हमारी यहाँ तमाम किसान मजदूर वरासत के लिए भी परेशान हैं। ये जनपद पूरी तरह से सूखाग्रस्त है, धान की फसल पूरी तरह से चौपट है, लेकिन शासन की गलत नीतियाँ हैं, प्रशासन बिल्कुल आँख बंद किया है, जनपद को सूखाग्रस्त घोषित नहीं कर रहा है। हम इन तमाम समस्याओं को लेकर के आज यहाँ महापंचायत कर रहे हैं।